कुंभांगारे बीजेपी नेता और सहयोगी को हत्या घटना कटक नुतांगे बीजेपी प्रभारी डी पुरेन्द्र स्वईं प्रेसमिट राज्य सरकार को टार्गेट कले डी पुरेन्द्रश्वरी दुर्नीति बुड़ी रही एठाकार राज्य सरकार बर्षक तले विकास जेना को हत्या करा कूलमणि और दिव्यसिंह को हत्या करागला तेरे पीएम आवास योजना दुर्नीति उठाइबार उभय को हत्या कर प्रताप जेना को कहीं गिरफ्त कराऊनी प्रश्न करेन्द्रश्वरी एतलार जदि प्रताप जेना ना अच्छी कहीं गिरफ्त कराऊनी मुख्यमंत्री न्याय दिंतु नचे लोकों विश्वास उठिज बीजेपी कूलमणि और दिव्यसिंह पर रही न्याय न मिलवा जाए दल जारी रखी पुरेन्द्रश्वरी प्रतिश्रुति बीजेपी नेता प्रकाश मिश्र पुलिस स्वच्छता उपर प्रश्न उठाई हम पूछना चाहते हैं यहाँ के सरकार को कि जब दिव्य सिंह बराल जी अपने बयान में लोगों का नाम लिया और यहाँ के जो मंत्री हैं प्रताप जेना जी उनका भी नाम लिए तो उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे। यहाँ एफआईआर में प्रताप जेना का नाम है और जो केस दर्ज हुआ है उनमें उसमें भी प्रताप जेना का नाम है, तो क्यों छोड़ दिए उनको? जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल जी के घर तो उनके तीनों बेटे यही प्रश्न पूछ रहे थे हमसे कि जब बयान दिया गया था और जब सबको मालूम है कि प्रताप जेना इस हत्या में उनका हाथ है तो क्यों उनको छोड़ रहे हैं? हम नवीन बाबू से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं कि आप बाहर आइए, थोड़ा आंख खोलकर देखिए, थोड़ा कान खोलकर आप सुनिए। आपके जो प्रदेश में लोग जितने दिक्कतें भुगत रहे हैं वो कहीं और प्रदेश में नहीं भुगतेंगे जरूर। तबे पुणि थरे फेरिबा सही महंगा डबल मर्डर घटना को जो घटना पूरा राज्य रे वर्तमान होइछे सृष्टि करछ सबुटु बड़ कथा होछि जो माननको नारे अभिजोग आसीछि वर्तमान सुधा जदियो छह जन को गिरफ्त करा जाइछि किंतु मंत्री प्रताप जेना को ना जेतु आसुछि वर्तमान सुधा तांकु काहेकि तदंत परिसरभुक्त करा गलानी एवं काहेकि गिरफ्त करा गलानी बोली वर्तमान विरोधी माने प्रश्न करछन्ति आ बीजेपी विशेष करी पहुंचिछि महांगारे जे आपण चित्र देखुछन्ति एवं सदासक जीबा सेटा को हमर प्रतिनिधि रोशन अछन्ति हम सहित अधिक आलोचना पई रोशन सबुटु बड़ कथा होछि एफआईआर कॉपी रे जे मानक ना रहिछि एवं आज जा सूचना आसुछि छह जन को वर्तमान सुधा गिरफ्त करा गलानी एवं मुख्य अभियुक्त रो भाई चैतन्य सेठी को गिरफ्त करा गला किंतु मंत्री प्रताप जेना को केबे एने आज बीजेपी राज्य प्रभारी प्रश्न उठाई रोशन देखो निवेदिता आज बीजेपी राज्य प्रभारी जे रही डी पुरेन्द्रेश्वरी सहित बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंगार एवं उपसभापति भृगु बक्सी पात्र सहित अनेक तुंग नेता आसते कूलमणि बराल जी रही परिवार लोकों सहित आलोचना करते सहित दिव्य सिंह बराल जी तर सहयोगी थे बीजेपी नेता थे पर जा लोकों सहित आलोचना कर सबू भितर जो भाव प्रश्न करते जे प्रताप जेना हाथ रही जोगु प्रकृत अपराधी गिरफ हो जहाँ अभियोग करते दिव्य सिंह बराल परिवार लोक यहाँ पूरा घटना को नहीं जो सांबादिक सम्मेलन करते डी पुरेन्द्रेश्वरी सीधा सख भाव में प्रश्न करते मंत्री को कहीं गिरफ्त कर जड़े स्थानीय विधायक मंत्री हिसाब से ना अभोग रही हत्या मामला होती के मामला को प्रभावित करने चेष्टा कर बर्तमान तदंत को नहीं प्रश्न उठू केवल घटना घटे न जो वर्तमान से मुख्यमंत्री को मध्य टार्गेट कर मुख्यमंत्री बाहर को आसवा सहित कान एवं आखि खोली सब जिन ध्यान दिंतु बोली वर्तमान डी पुरेन्द्रेश्वरी सीधा सड़क आक्षेप करतीथित जदि देखा तदंत को नहीं गोटे प्रकार प्रश्न उठू कारण जो चौदह जन नाम मामला होती वर्तमान सुधा छः जन को गिरफ्त कर एक दुई तीन चार यही क्रम जो मान ना रही एफआईआर लिस्ट में बर्तमान सुधा गिरफ्त कर सबू भितर तेरह नंबर में जितेबाला मंत्री ना रही
वर्तमान कौन प्रकार कार्यानुष्ठान पचरा उचरा जहाँ पूर्वतन पुलिस डीजी तथा बीजेपी नेता प्रकाश मिश्र रही सी सांबादिक सम्मेलन निजर मत रखी जे प्रकृत हत्याकारी जो मैंने भी था सहित जो मैंने कन्स्पिरेसी करते अर्थात जो मैंने हत्यापाई षड्यंत्र करुक्त हिसाब से गणा हमें तेणु पुलिस बर्तमान सुधा पूरा तदंत भितर कन्स्पिरेसी किए कर दिग्वे बर्तमान सुधा मुह खोली ना तेणु ए सबू को नहीं पुलिस क्यों दिगरे तदंत कर गोटे प्रकार बड़ प्रश्न सृष्टि होटना के पुलिस चापर रोचे नेता चापर रही कार्य करी जहाँ पूर्वतन पुलिस डीजी प्रतिक्रिया रखी थे तेणु केउठना केउठी आम जब देखा गोटे पटे छः जन गिरफ होती सत कितु पुलिस तदंत को नहीं गोटे प्रकार प्रश्न उठू मुख्य अभियुक्त जहाँपाई जहाँ ना एतला दि जाइए परिवार लोके जो मैंने पूरा हत्याकांड पथर षड्यंत्र कर अभियोग कर पुलिस केवे गिरफ करती प्रश्न उठू 2018 यह गाँव में पलटिकार मर्डर होता विकास जेना नामक जन व्यक्ति को हत्या करु से समय पुलिस क्या गिरफ कर ना बर्तमान आम जदि देखा जेहेतु राजनैतिक चाप रही बीजेपी पक्ष थाना घेराव कर आसंता काली डीजी ऑफिस घेराव कार्यक्रम रही तो क्योंठना के गोटे पटे मंत्री ना मामला हो विरोधी जो भाव में सरकार के प्रति रणहुंकार रोचे और जो भाव में चाप रोचे क्योंठना क्योंकि चापवर्ती हो पुलिस बाध्य चापवर्ती हो पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त कर पुलिस चापर बशवर्ती ही तदंत को अवहेला करदंत बाट बढ़ा जो पूरा राज्य में गोटे प्रकार प्रतिवाद स्वर उठू मंत्री प्रताप जेना को कहीं तदंत बहिष्भुक्त कर गिरफ्त कर परवर्त मुहूर्त प्रकृत में पुलिस पदक्षेप कौन रोचे नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आपंक सूचना पाई।